हेलो एवरीवन, आज हम बना रहे हैं रोज़ हलवा जो कि है जेली का हेल्दी अल्टरनेटिव। और ये देख लीजिए, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे: घी, रोज सिरप, कॉर्नफ्लोर, सॉल्ट, कैशू, आलमंड्स और वाटर। ये है 1.5 कप पानी है, और बाकी सारे मेजरमेंट मैं आपको साथ साथ बताते चलूँगी। तो ये है रोज़ सिरप जो है 3 कप्स, मेजरमेंट कप्स आपके पास हैं, उसमें जो सबसे बड़ा साइज़ का 1 कप वाला पोर्शन होता है वो है ये। और 3 कप्स हमने इसके लिए हैं, और 3 कप्स रोज़ सिरप में आपको डाल लेना है 1 चुटकी नमक। और 1 चुटकी नमक से जो है ना, डेजर्ट्स का टेस्ट बहुत एनहांस होता है। अगर आप सिर्फ मीठा मीठा डालोगे तो बहुत ज़्यादा आपके गले में मीठा लगने वाला है, और सॉल्ट से वो जो मीठापन है ना थोड़ा सा कटता है और डेजर्ट को एक अच्छा फ्लेवर देता है। और इसमें हमने डाली है 1/4 कप घी, और ये है हमारा 1 कप कॉर्नफ्लोर, और 1.5 कप वाटर। जल्दी जल्दी से डालेंगे और जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेंगे, लम्स नहीं बनने देने, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और जब आपका ये मिक्सचर पूरा मिक्स हो जाए, आपको ये पूरे यहाँ से लम्स वगैरह नज़र आने बंद हो जाए, और आपको जो ये ऊपर दिख रहा है ये घी है, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बाकी लम्स आपके इसमें नहीं होने चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, फिर कढ़ाई ले लीजिए। कढ़ाई लेके आपको उसको मिक्सचर को गैस ऑन करने के बाद उसमें डाल देना है, और फिर उसे जब से आपने उसे डाला है जब तक आप उतारेंगे तब तक इसे चलाते रहना है, अदरवाइज़ ये जल जाता है, चिपक जाता है। और आप इसे अच्छे से मिक्स करते रहिए। जो लम्स आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ये कॉर्नफ्लोर की वजह से जो थिकनिंग हो रही है वो होनी स्टार्ट हो गई है। आप मिक्स करते रहिए, ये थिक होता चला जाएगा। और इसमें हमने इस पॉइंट पर आके जब ये थोड़ा सा थिक हो गया तो घी भी ऐड कर लिया है 1/4 कप फिर से। और अगर आपका घी आपको ऊपर ऊपर नज़र आ रहा है जैसे मेरा इस टाइम नज़र आ रहा है, तो आप पानी का छींटा मारते रहिए और उसे मिक्स करते रहिए घुमा के अच्छी तरह से, तो घी जो है मिक्स हो जाएगा। फिर हमने ऐड किए हैं ड्राई फ्रूट्स को डालने के बाद फिर हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, फोल्ड करते करते घुमाते रहना है। और जो ये घी दिख रहा है, जितनी शाइन आपकी आती जाएगी उतना ही हलवा आपका अच्छा दिखेगा और टेस्ट में भी अच्छा होगा। तो घुमाते जाइए और इसको थिक, जितना इसकी कंसिस्टेंसी थिक होगी उतना ये अच्छा बनेगा। अब हमने इसको घी को कर लिया है ग्रीस, घी से फ्राई पैन को, अपने जो बेकिंग पैन है, और उसमें हमने घी हलवा कर दिया है सेट। इस तरीके से आपको प्रेस करते करते सेट करिए ताकि जो एयर बबल्स हैं वो सारे निकल जाएं। और ये देख लीजिए, अच्छे से हमने इसको प्लेन कर दिया है, सेट कर दिया है। अब हम इसे रख देंगे फ्रिज में 3-4 घंटे के लिए रख दीजिए, और ये पूरा अच्छे से सेट हो गया है। अब साइड से इसको स्क्रेप करके और फिर प्लेट रखेंगे इसके ऊपर, फिर टर्न करेंगे। जैसे आप केक डीमोल्ड करते हो इसी तरीके से ये डीमोल्ड हो जाएगा, और देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है। और कट करके मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी जो टेक्सचर है, इसका जो जेली बाउंस है वो कैसा है, देखिए। तो आपने देख लिया, हलवा अच्छे से रेडी है। आप भी बनाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब